Yes, students of JKSSB Finance Account Assistant. आज के इस लेक्चर में कुछ और most important objectives, most expected objectives of your examination discuss करने वाले हैं. The chapter pair of linear equations into variable. Dear students, आज का जो पहला objective है, important objective है, बहुत बार पूछा जा चुका है. How many rules are used to solve this system of pair of linear equations in two variables? कितने rules हैं? Rules कितने हैं to find the solutions of pair of linear equations? ये objective है. Options में हो सकता है 1, 2, 3, 4 so on. जो भी होगा. लेकिन इसका जो correct option है हमारे पास 3 rules हैं. कितने रूल्स हैं? 3 रूल्स. ऑप्शन कोई भी हो सकता है लेकिन 3 तो वहां पे होगा. अगर नहीं होगा तब तो नन ऑफ दीज होगा. हमारे पास ऑब्जेक्टिव किस तरह पूछे जाएगा? कितने रूल्स हैं? हाउ मेनी रूल्स आर यूज्ड टू सॉल्व टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. द करेक्ट ऑप्शन इज हियर 3 डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज important objective again, the number of solution of pair of linear equations may have depends upon this objective. ये objective अगर आपके exam में पूछा जाएगा इस depends upon the option, the number of solutions, कितने solutions हो सकते हैं आप pair of linear equations may have. अब options यहां पे हमारे पास है 1, एक ऑप्शन में है 1, दूसरे ऑप्शन में है 2, तीसरे में है 3 एंड लास्ट है नन ऑफ दीस. ये 3 ऑप्शंस है. द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मे हैव पॉसिबिलिटी. किस ये कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? हो सकते हैं सॉल्यूशन 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, नन ऑफ दीस. पॉसिबिलिटी है किसी की? डेफिनेटली सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, इसकी पॉसिबिलिटी है. देयरफॉर दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव. द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. Yes, important है ये भी. The number of real solutions of pair of linear equations. यहां पे option में 1 है, फिर infinite है, second option, third option है, either A and B, and say none of these. Not. हमारे पास ऑब्जेक्टिव रिमेंबर दिस द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. रियल सॉल्यूशंस कितने हैं पेयर सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस? यहां पे ऑप्शन में 1, इनफाइनाइट, आइदर ए एंड बी. ये ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन. वी नो ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन इज नेसेसरी रियल सॉल्यूशन. इसी तरह इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है. मीन्स इसके इसका जो सी ऑप्शन है इधर ए आर बी, या तो ए हो सकता है, या यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं. नेक्स्ट इज अगर हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इफ ए लाइन अगर हमारे पास होगा से एक्स इज इक्वल टू -7, देन तब जाके क्या होगा? अब ऑप्शन इसमें इट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम, ये लाइन है, एक लाइन है. अब ऑप्शन में इट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 7 यूनिट्स पहला ऑप्शन. दूसरा इट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 7 यूनिट्स. थर्ड ऑप्शन इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज -7 यूनिट्स. एंड थर्ड फोर डी पार्ट इज इट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज -7 यूनिट्स. नाउ
करेक्ट ऑप्शन इज, अगर हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 7, इफ वी हैव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 7 यहां पे होगा, क्लियरली इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. देन द डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन जो यहां पे है वो कितना दूर होगा, 7 यूनिट्स होगा, किससे, एक्स इज इक्वल टू, सॉरी फॉर दिस, एक्स इक्वल टू माइनस 7, ये यहां पे होगा. लेकिन डिस्टेंस कितनी होगी, लेफ्ट साइड में होगा डिस्टेंस, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 7 यूनिट्स, फर्स्ट ऑप्शन है. इट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज इक्वल टू 7 यूनिट्स, ये सेकंड ऑप्शन है. इट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज माइनस 7 यूनिट्स, नेगेटिव तो डिस्टेंस नहीं होती है, ये चला गया. इट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज माइनस 7 यूनिट्स, ये भी चला गया. दो ही ऑप्शन बचे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. इट इज डिस्टेंस, ये लाइन इट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 7 यूनिट, इट इज द करेक्ट ऑप्शन. इसी तरह ये भी पूछा जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस, वाई इक्वल टू 11 और माइनस 11 जो चाहे, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में होगा. अब सेम ऑप्शन है, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 11 यूनिट्स, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज इक्वल टू 11 यूनिट्स, यहां पे भी नेगेटिव दो है वो तो चले जाएंगे. यहां पे अगर इसका ग्राफ होगा, वाई इज इक्वल टू माइनस 11, माइनस 11 मान के यहां पे है माइनस 11, तब जाके यहां पे लाइन होगी जो इसका ग्राफ होगा. इट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 11 यूनिट्स, डिस्टेंस होगा इनके दरमियान वो 11 यूनिट्स होगा. नाउ नेक्स्ट इज, इफ वाई इज इक्वल टू 3, इफ वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन होगा, इफ ए लाइन, इफ ए लाइन, अगर हमारे पास ये लाइन होगा, देन द पॉइंट 0 3, देन द पॉइंट 0 3 इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस, द पॉइंट 0 3 इज द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विथ वाई एक्सिस, द पॉइंट 30 इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस, ये ऑप्शन है इसके. अगर यहां पे हम देख लेंगे वाई इज इक्वल टू 3, ये 1 है 2 है 3 है, यहां पे इस तरह इसका ग्राफ होगा, वाई इक्वल टू 3 ये इसका ग्राफ होगा. अब ऑप्शन में जाए, द पॉइंट 0 3 इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ इसका इंटरसेक्शन नहीं है, चला गया. द पॉइंट 0 3 इज इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ वाई एक्सिस, 0 3 का इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस है, क्लियरली यहां पे जो पॉइंट है इट इज 0 3, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विथ वाई एक्सिस, सेकेंड ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर. नाउ एक और ऑब्जेक्टिव है, मान के लास्ट ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करने वाले. इफ वी हैव अ लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है. नाउ ऑप्शन इज यहां पे, देन द पॉइंट 0 0 इज द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विथ एक्स एक्सिस, 0 0 पॉइंट है इसका, इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस, 0 0 इज द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विथ वाई एक्सिस, द पॉइंट 0 0 इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ दिया है फर्स्ट में, दूसरे में वाई एक्सिस के साथ दिया है. अगर आप देख लें, हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था, इफ सी इज 0 देन नेसेसरी दिस लीनियर इक्वेशन पासिस थ्रू ऑरिजिन, जब वो पासिस थ्रू ऑरिजिन में से चला जाएगा, इट मीन्स द पॉइंट 0 0 जो होगा इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ एक्सिस, नॉट ऑनली विथ एक्स एक्सिस. इस तरह इसका ग्राफ होगा, इसका ग्राफ इस तरह होगा, यहां इस तरह होगा, देखना है वो नेसेसरी इस ऑरिजिन से पास होगा, वो नेसेसरी इस ऑरिजिन से पास होगा. ग्राफ इसका एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, जब 1 लेंगे वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 1 लेंगे वाई होगा
माइनस वन, ये ग्राफ है इसका, ये स्टूडेंट्स ये ग्राफ है इसका, एक्स इज वन वाई इज माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू एक्स इज वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इज वन वाई इज माइनस वन, एक्स इज माइनस वन वाई बिकम्स प्लस वन, ये इसका ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स। ये नेसेसरी पासेस टू ऑरिजिन का सी इज जीरो, देयरफॉर पॉइंट जीरो जीरो इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ एक्सिस, नॉट ऑनली एक्स एक्सिस नॉट ऑनली वाई एक्सिस बट बोथ एक्सिस के साथ वो इंटरसेक्शन कर रहा है, देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह हमने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स। उसके लिए डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।